CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। मोगा पुलिस ने आज उस समय भारी कामयाबी हासिल की जब पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली में जा रही 500 पेटी हरियाणा मां की शराब पकड़ी। ये शराब हरियाणा से लाकर पंजाब में महंगी बेची जाती थी। शराब तस्कर के पास जिला मोगा में दो शराब के ठेके भी हैं जिन पर ये शराब बेचा जाता था और इस तस्कर पर पहले से भी कई मामले दर्ज है। पूरी जानकारी देते हुए DSP मंजीत सिंह निहाल सिंह वाला ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी। जसबीर सिंह जो कि गांव का रहने वाला था और हरियाणा से ट्रैक्टर ट्रॉली पर शराब ले जा रहा था। पुलिस ने नाकेबंदी की और ट्रैक्टर ट्रॉली की तलाशी ली गई तो उसमें से 500 पेटी हरियाणा मार्ग का शराब बरामद हुई है। हमने उसे गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश किया जा रहा आरोपी पर पहले भी 8 से 9 मामले शराब तस्करी के दर्ज है। आरोपी के शराब के ठेके भी हैं। आरोपी पर मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई की जा रही है। साढ़े मानजोग SSP साहब सरदार अमरजीत सिंह बाजवा जी दे दिशा निर्देश HPS परिवार SP इन्वेस्टिगेशन दे हुक्मां दे अनुसार नशियां दे विरुद्ध बिड्डी हुई मुहिम दे अधीन उदों निहाल सिंह वाला थाणा दी पुलिस नूं उदों बहुत वड्डी कामयाबी मिली जदों SHO साहब दी जेरे निगरानी जसकरन सिंह उर्फ जस्सी ਵਾਸੀ ਮਾਣੂ ਕੇ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਪੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਰਕਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 133 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 61-14 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੈਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਥਾਣਾ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ 8 ਤੋਂ 9 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜੋ ਦੌਰਾਨੇ ਪੜਤਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰੀ? ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।